डाउट क्वेश्चन नंबर 4, टीएस ग्रेवाल, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, परचेजेस, क्रेडिट सेल्स। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3%, बट किसका? ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझेंगे पहले। ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मतलब ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। एक होगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, एक होगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस मतलब क्वेश्चन में वो कुछ भी बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्लस 10%। तो कॉस्ट इज नॉट परचेज प्राइस, कॉस्ट इज नॉट जस्ट परचेज प्राइस, कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये ध्यान रखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको बचपन में बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स दोनों है, परचेजेस है, हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा बट वो दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो ध्यान से देखेंगे, हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। COGS क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल्स माइनस COGS, नेट सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट होता है नेट सेल्स माइनस COGS। हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डेबिट साइड पे आ जाएगा, सेल्स क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। हमें दो चीजें मिसिंग हैं, हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है और ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। चलो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, बट कॉस्ट इज नॉट गिवन, ना तो कॉस्ट गिवन है ना ही वो कैलकुलेट हो सकती है, नॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड। सर गिवन नहीं है वो तो दिख रहा है, कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कैलकुलेट नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है तो क्या आप कॉस्ट निकाल सकते हैं? क्या आप कॉस्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, दो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ना। क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होता, बाकी सारी सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होता तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते थे। अब दो चीजें मिसिंग है तो आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो लेट COGS बी एक्स, कॉस्ट तो गिवन नहीं है बट सेल्स इज गिवन, लेट कॉस्ट बी एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 33 1/3% ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? 1/3, 1/3, 33 1/3% मतलब 1/3, 33 1/3% ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू 33.99, 100/300x, विच इज इक्वल टू 1/3x। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स होता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स क्या होता है? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट क्या लिया हमने? एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिया है? 1/3x। तो नेट सेल्स क्या हो जाएंगी? 4/3x। और नेट सेल्स तो गिवन है हमें, कितनी है नेट सेल्स? कैश प्लस क्रेडिट। कोई रिटर्न्स हैं क्या? नहीं है। तो सेल्स कितनी है? 100, 1 लाख ना, देखा नहीं, 60/40, 60/40, 1 लाख कितना है? सेल्स कितना है? 1 लाख इज इक्वल टू 4/3x। तो x इज इक्वल टू
1 लाख इंटू 3 बाय 4, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 मतलब 75,000 एक्स आ गया। एक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब मर्जी आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1/3x विच इज इक्वल टू 75,000 25,000। तो आपके पास कॉस्ट भी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। क्या उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि उनको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए? नहीं चाहिए। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। अब खत्म हो रहा है, लास्ट स्टेप है। अब आपके पास दो तरीके हैं। ये तो होगा ही होगा जितना करा है ना, यहां से लेट कॉस्ट भी यहां से जो शुरू है ना, ये जो बॉक्स है ये तो आपको करना ही करना है। मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है कि जो हमने ना लेट कॉस्ट भी एक्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3x, तो ये तो करना ही करना है। अब आपने निकाल दिया, कॉस्ट भी निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल दिया। अब आपके पास दो तरीके हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। पहला आसान तरीका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस, लिख चुका ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, इधर ले आए, बाकी सब इधर ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस COGS। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20। नेट परचेजेस कितनी है? 70। कोई और रिटर्न कुछ नहीं है, 70। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर गिवन नहीं है तो वो जीरो होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है हमने निकाला? 75,000। एक्स लिया था ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 75,000। एक्स लिया था ना कॉस्ट ऑफ, 75,000। तो 70 प्लस 20 90 90 माइनस 75,000 कितना आ गया? 15,000। ऑप्शन वन खत्म हो गया क्वेश्चन। ये ऑप्शन टू था कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं था यहाँ पे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट वर्ड है, स्पेसिफाइड नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना। तो आपकी मर्जी है, तो आपकी मर्जी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट बना के कैसे करते हैं ध्यान से देखना। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन, ये भी इसके बाद ही हो सकता है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हो, तो ध्यान से देखना कैसे होता। जो गिवन है वो डालते जाओ। ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक 20,000। टू परचेजेस कितना? 70,000। कैश सेल्स रेट से अलग से निकालते, बाय सेल्स अकाउंट कितनी है सेल्स? 1 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल दिया, कितना निकाल दिया? नहीं वो तो निकालना है, तो जो निकालना है वो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। हमें क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट। गिवन क्या मतलब, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PNL। और क्या क्या हम कुछ खाए? ओपनिंग स्टॉक 20, आइटम क्या था हमने कुछ खा गए ना, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने गलत दिखाया ना, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है, दिखाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 25 आ गया। ओपनिंग स्टॉक गिवन था, परचेजेस गिवन थी, सेल्स गिवन थी, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बचा क्या? सिर्फ यही तो बचा क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसे निकाल सकते हैं, 90 प्लस 115 बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? 15,000। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ये, अगर दोनों इक्वली करेक्ट है, दोनों इक्वली करेक्ट है। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, तो आपकी मर्जी है। तो मैं कह रहा हूँ बट समझेंगे, रास्ता समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट ही गिवन नहीं है। ऑल्दो जर्नल में छोटी मोटी बातें बता रखी हैं, बट मैं कह रहा हूँ जीरो से बताइए मैंने अभी आपको पूरी बात। उसमें तो है ना कि प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन था, वही तो ट्रिकी क्वेश्चन आते थे कि प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, कॉस्ट प्राइस इज गिवन। जो भी है, कॉन्सेप्ट है ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट, 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट गिवन नहीं है तो लेट कॉस्ट बी एक्स, ऐसे क्वेश्चन को हम इक्वेट करेंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं।